उस बंद है ये गोबर पानी समर होने चाहिए अच्छा ठीक से इन बच्चे चंद पहल बैठे हाँ उसी मालूम तो पानी सीमा सबसे बड़ा देवता तो आज दोस्तों 11 दिन हो गए हैं गाय को बिहार में और गौरी गौरी याद होगी आपको तो आज इसको 11 दिन हो गए हैं तो आज एक स्पेशल पूजा की जा रही है इसको गढ़वाली में कहते हैं बधवाण पूजाना तो बधवाण पूजा जाएगा आप भी देखिए कैसे होता है तो ये गढ़वालियों का सबसे बड़ा देवता होता है अच्छा जो है गाय की पूजा की जाती है वो माता जो है 11 दिन पूर्णिमा हाँ और यहाँ पर जो है हम लोगों का ही बहुत बड़ा महत्व है तो फ्रेंड्स ये गोबर के देवता बना दिए हमने ये गोबर का बना दिया जिसको हम गणेश कहते हैं तो दोस्तों ये हैं गोबर गणेश और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हवन किया जाता है और इससे वातावरण स्वच्छ होता है गौ माता की हम पूजा करते हैं इससे हमारा ये जो है हमारा एक नरसिंह देवता है वो दूध हम उसके नाम से भी चढ़ाते हैं तो दोस्तों नरसिंह भगवान हमारे कुल देवता हैं तो पहले हम अपने कुल देवता को ही दूध चढ़ाएंगे उनका स्मरण करेंगे और दोस्तों बंधवाण हमेशा पानी की जगह पे पुजवाया जाता है तो पानी की व्यवस्था नहीं थी तो हमने पाइप लगा दिया नल पानी का और इसके ठीक सामने हम लोग पूजा करेंगे अभी देखिएगा आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सौशुदाय नमस्तुति जयतन देवी चामुंडी जय भूता तारिणी जय सर्वदेवी भी कालरात्रि नमस्तुति दीप आय नमस्तुति जय संदेवी चामुंडी जय भूता हरण जय सर्वदेवी भी कालरात्रि नमस्तुति हरि ओम हरि ओम विष्णु स्नात ओम अच्युताय नम ओम कीश्वाय नम ओम माधवाय नम हस्त ओम महा ओम नमो धर्म विधात्री नमो कर्म शासने प्रदक्षि भौरात्रि पार्श्व धन संतान गाय चरणी सताता ओम अस्यासन मंत्र से मेरु संतरा दुर्भाव शिवाय स्वी विष्णु भी फल प्राप्ति एक जन्म जन सकल कामना सिद्धार्थ गौ माता गौड़ा कहना चाहिए गंगू आता पूजन पूर्वक संकल्प संपर्दते यत्न पुरुषा यत्न पुरुषो हाँ ओम अग्नोर्ज्योतिर ओम ओम महा ओम अग्नोर्ज्योति ज्योति नमो अस्तुति मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि गंगी च गोदावरी सरस्वती नदी सिंधु कावेरी जानेगम ओम गौम आ गौ दीनम गौ माता जगत माता जगत माता वसुंधरा गायत्री सावित्री तुभ्यम नमो अस्तुति गौ माता पिंडी रखना और दूध दही घी की मात्रा को बढ़ाना गो मई तो ना सुझा मातुला ना सुझा परवेश महाराज हमार जो से दूध धारी न सुझे तथे क्या नामक दूध चढ़ा तो हमारे परिवार का जो है सुख संपन्न बनाए रखे बन ओम जो पूरा डाल देना तो फ्रेंड्स यहाँ पे पानी के पास की पूजा हो गई है और अब गाय के पास जाएंगे हम लोग तो सामने हमारी गंगू तो दोस्तों उधर गौरी और ये बनु नाराज होता है उसको प्यार करो तो ए बन्नो अच्छा इसे बांध दिया रस्सी से और ये आ गई फ्रेंड्स गौरी गौरी को तिलक लग रहा है आज वो 11 दिन की हो गई है उत्तराखंड के अंदर हमारे पहाड़ियों में गढ़वालियों में एक कल्चर है कि जब गाय बिहाती है यानी बच्चा देती है तो 11 दिन तक उसका दूध नहीं पीते हैं और उसके बाद पूजन करवाया जाता है जिसे बंधवाण पूजा कहा जाता है और उसके बाद ही आप उस दूध को पहले अपने ईष्ट को अपने कुलदेवता को अर्पित करते हैं और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज 11 दिन हो गए हैं आज अन्नपूर्णा जी बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगी और पूजा हवन हम लोगों ने कर लिया है पूजन हो चुका है और गौ माता को तिलक लगाया जा रहा है
तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि बंधवान पूजा होती क्या है। गाय की पूंछ की होती है पूजा। हाँ। अच्छा पूछ नहीं होता है गौरी की पूछ पे दोस्तों बांध दिया गया है। हमारे गंगू जो है ना बिल्कुल प्यार नहीं करने देती, तो अन्नपूर्णा जी कोशिश कर रही हैं। वो देखो 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 नाराज हो रही है। क्या हो गया गंगू, क्या हुआ? धागा बांध रहे धागा। बाजी बाजी बाजी। देखिए कैसे नाराज होती है, हाथ नहीं लगाने देती बिल्कुल भी। बांध दिया। और ये मम्मी की प्यारी चंदा। लो जी चंदा ने तो तिलक लगा लिया। ये बहुत बातूनी है, बहुत बात करती है हमारे साथ। अच्छा चंदा अब ये था जो अंदर है ना, खुश हो गई तो तेरे को भी तिलक लग गया। अच्छा इधर तो आ। चंदा रानी बड़ी सयानी। ओए ओए हाथ खाती है तो और हाथी खा गई मेरा। ओ बाय ये तो बहुत प्यार करता है भाई हैं। ओए ओ देखो जीप इसकी जीप पकड़ लो। चल बाय। ये लीजिए तो गौशाला का भी तिलक हो गया है। तो फ्रेंड्स पूजन हो गया है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये सब एक्टिविटीज़ चलती रहनी चाहिए, एक फेस्टिवल वाला माहौल बना रहता है घर पे और मज़ा आता है कुल मिला के। अब कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एक पौधा मैंने आपको दिखाया था कि किस चीज़ का पौधा है, भविष्य में जाके पेड़ बनेगा पर फिलहाल पौधा ही है। तो ये वो पेड़ था और तो देखें कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों ये वो पेड़ है जो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है और जहाँ कहीं भी पहाड़ों में ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में भगवान शंकर के मंदिर होते हैं, जैसे तुंगनाथ जी हो गए या ताड़केश्वर महादेव हो गए या रुद्रनाथ हो गए, मतलब जहाँ पे भी ऊंचाई पे आप हाई अल्टीट्यूड्स में महादेव के मंदिर देखते हैं वहाँ पे आपको ये पेड़ दिखाई देगा, उस प्रांगण के आसपास तो ज़रूर ही दिखाई देगा। तो दोस्तों ये पेड़ है देवदार का पेड़। तो फ्रेंड्स दिस इज़ कॉल्ड देवदार और बहुत शुभ होता है इसे रखना, मतलब लगाना। तो मैंने ये गमले में लगाया, फिलहाल देखते हैं ये कहाँ तक चल पाता है, कोशिश पूरी रहेगी कि ये हो जाए हमारे पास। फिलहाल बहुत अच्छा ग्रीन है। तो जिन भी दोस्तों के सही जवाब है उनको बहुत शुभकामनाएं, भगवान महादेव उन पर स्पेशल वाली कृपा बनाए रखें, और जिनके गलत भी हैं तो भी कोई बात नहीं। तो आप लोग देखिएगा कि आप इसे कितने लोगों ने सही जवाब दिया है, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और अभी चलेंगे अंदर, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मम्मी की एक हफ्ते की छुट्टियां हैं, मम्मी ने मेडिकल लिया हुआ है एक हफ्ते के लिए, तो इसलिए वो आपको आजकल घर पे दिखाई देंगी। चलिए ऑफिशियली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रेव पहाड़ी नीरज, जो रोज़ लेकर आता है अपने प्यारे चिड़ियाघर से आपके लिए चटपटा तीखा और एक जायकेदार व्लॉग। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, डेली व्लॉग आएंगे आपके लिए और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत इन्जॉय करते होंगे हमारे व्लॉग्स को। पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में चल रहा है वो आपके साथ साझा करते रहें, और जब जब मौका मिलेगा तो घूमने भी ज़रूर जाएंगे, पर फिलहाल डायरेक्ट चिड़ियाघर से। तो फ्रेंड्स ये गुलगुले बन चुके हैं और इधर बनी है ये क्या की सब्जी है, तोरी की। तो इधर तोरी की सब्जी बनी है फ्रेंड्स, और ये बन गई हमारी पूरियां और इधर उबल रही है हमारी खीर। जल्दी से भगवान जी की थाल लगाओ, गुलगुले पूरी खीर फटाफट मैं भगवान जी को देता हूँ, फिर हम भी खाएंगे। भगवान जी बोले देनी है भी खीर। क्यों? ये आज तो अभी गाय माता के हिसाब से बना है, हम लोग खा सकते हैं उस दूध को, चाय बना सकते हैं, पर भगवान जी के लिए 21 दिन की पूजा के बाद चढ़ाते हैं। मम्मी आप अभी सुनी ना? हाँ 21 दिन बाद किले ही हम खा सक दो, अभी 11 दिन बाद पका भी सक दो, चाय भी पी सक दो, पर भगवान जी ने दिन 21 दिन जब चढ़ाला दूध। ठीक पहले हम सीध बलि चढ़ाना दूध, नरसिंह भगवान भेंट कह रहे हैं। हाँ ठीक नरसिंह भगवान जी ने खीर नहीं देना। ओके तो फ्रेंड्स अब आप जान गए होंगे बधान पूजाने के बारे में कि कैसे ये पूजन होता है, इसे क्या रूल्स हैं, और आई होप कि आज भी आपने हमारे वीडियो को बहुत इंजॉय किया है। और अगर इंजॉय किया है तो माता जी ने बेटे कुछ संदेश देना चाहिए। हाँ जी बोलो बोल लो भाई। अगर आप वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये तो दो दगड़े सब्सक्राइब जरूर करें, जो अभी तक नहीं करी चा दोबारा ना करें। हाँ भाई दोबारा ना करें। मजा लेते हैं अपनी खीर पूरी और गुलगुलों का।
तो फिर मिलेंगे एक नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय मंत्री।